चले वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, श्वेता जी, सोनू जी, रवि, रंजन जी, सब लोग ठीक हैं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो पहले हम लोग कल जो पिछले क्लास में चर्चा किए थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बड़ी मजेदार टॉपिक था जो बताए थे महाजनपद, उस महाजनपद को रिकॉल एक बार कर लेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, मजा आएगा। और आज का बूस्टर क्लास में थे आप लोग, बूस्टर क्लास में थे, क्या क्लास चल रही है कि रुकी हुई है? चलिए क्लास चल रही है। राकेश बाबू, जयशंकर बाबू, राकेश कुमार सिंह जी, सब लोग हैं। मतलब हिस्ट्री वाले बैच में भी सब लोग हैं, हमको लग रहा था हिस्ट्री का क्लास नहीं है। अमरनाथ जी, चलिए विशाखा शर्मा जी, सब लोग ठीक हैं। आइए स्टार्ट करते, बड़ी सुंदर सुंदर टॉपिक है आज का टॉपिक। तो पहले हम लोग इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आनंददायक टॉपिक था, आनंददायक टॉपिक था, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तब हम लोग चर्चा करेंगे आगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। चले स्टार्ट करते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा था उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में 16 महाजनपद का या भारत में दूसरी नगरीकरण का दौर स्टार्ट हुआ, जिसे महाजनपद का काल कहा जाता है या द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, जिसे बताए थे 16 महाजनपद की चर्चा बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में किया गया है। 16 महाजनपद में वर्तमान भारत में कितना बाबू? तो 14 महाजनपद, 2 महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक और गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला। ऐसी तक्षशिला में विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ कौटिल्य ने अध्ययन अध्यापन का काम किया था और अपने चेलवा चंद्रगुप्त मौर्य को भी पढ़ाया लिखाया था। और एक दिन ऐसा हुआ था कि अपने गुरु के दिशा निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण करते नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके नंद वंश के स्थान पर एक नया वंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दिया। अब क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान भारत में जो 16 महाजनपद है, 14 वर्तमान भारत में 14 महाजनपद, उसको राजधानी जरूर याद रखेंगे। तो 6 कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 3 कहाँ है? बिहार में। 2 कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 1 हरियाणा, 1 राजस्थान और 1 महाराष्ट्र, तेलंगाना के सीमा पर गोदावरी नदी के किनारे, इतना ही बताए थे। तो अब जरा सा जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे
आप लोग बताते चलेंगे तो मजा आएगा। स्पीड में बताइएगा, कल का वीडियो लोड नहीं हुआ है, ये कैसे संभव है। चलिए बिहार में तीन बताए थे, स्पीड में बताइएगा। बिहार में तीन था, कौन कौन? अंग, बज्जी और मगध। तो अंग की राजधानी बताएंगे, अंग की राजधानी बताएंगे, स्पीड में बताएंगे। ललन बिहारी, अंग की राजधानी बताएंगे, अंग की राजधानी और उसका प्राचीन नाम। अंग की राजधानी बताएंगे और उसका प्राचीन नाम बताएंगे। अंग की राजधानी और उसका प्राचीन नाम। रंजन कुमार, जल्दी जल्दी उत्तर बताइएगा। अंग की राजधानी, बहुत अच्छी बात है। अमनदास जी, उत्तर पहला उत्तर आया आपका। अंग की राजधानी, उसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? अंग की राजधानी चंपा, चंपा का प्राचीनतम नाम क्या है? चंपा का प्राचीन नाम क्या है? प्रताप राज, गुड्डूलाल जी, खुशबू, मोहित बर्नवाल, संदीप, चंदन, जैसविंदर। चंपा का प्राचीनतम नाम अभी तक नहीं आया है। चंपा का प्राचीनतम नाम, चंपा का प्राचीनतम नाम, चलिए वो अभी आ गया। किन्होंने कहा? खुशबू भगत जी ने पहले कहा, मालिनी। चंपा को ही कहेंगे मालिनी। मुंगेर भागलपुर का क्षेत्र था। अंग की राजधानी चंपा, अंग की अंग का क्षेत्र भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था पाल वंश के शासक धर्मपाल ने, जहां पर ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। आइए बज्जी, बज्जी की राजधानी कहां थी बाबू? बज्जी की राजधानी कहां थी? स्पीड में बताएंगे तो मजा आएगा, तब जल्दी आ जाएगा। एसपी में बताएंगे, बज्जी की राजधानी बताएंगे। बज्जी की राजधानी आठ गणराज्य का एक समूह था, जिसे बज्जी गणराज कहेंगे, बज्जी गणराज कहेंगे। मालिनी, बहुत अच्छी बात है। मुंगेर, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। बज्जी की राजधानी कहां थी? बज्जी की राजधानी कहां थी? वैशाली, वैशाली मिथिला। वैशाली मिथिला, वैशाली मिथिला। यह मुख्य रूप से कहां का क्षेत्र था भाई? तिरहुत खंड, तिरहुत प्रमंडल, भागलपुर वैशाली का क्षेत्र था, भागलपुर वैशाली का क्षेत्र था। क्वेश्चन पूछेगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? प्रारंभिक राजधानी कहां थी? प्रारंभिक राजधानी कहां थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी बाबू? जल्दी से बताएंगे। विकास कुमार विक्की आ गए हैं, राकेश कुमार सिंह जी, जसवंदर जी, विनीत जी, नितिन बाबू, बहुत अच्छी बात है। प्रारंभिक राजधानी को कहेंगे गिरिब्रज, जिसे ही कहेंगे राजगृह, जिसे ही कहेंगे राजगीर। बाद में उदयन के द्वारा, हरियक वंश के शासक उदयन के द्वारा इसे किसे बनाया गया? पाटलिपुत्र को बनाया गया, पाटलिपुत्र को बनाया गया। उदयन ने किसे बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। हो गया तो तीन गो हो गया अपना बिहार में, छह गो था कहां पर बाबू? मध्य प्रदेश में, अति सॉरी यूपी में छह गो था, मध्य प्रदेश में तो दो ही गो था, यूपी में छह था। कौन कौन था भाई? तो पहला था वत्स, पहला क्या था? वत्स। दूसरा क्या था? कौशल। तीसरा क्या था? मथुरा, ओ सॉरी सूरसेन।
चौथा था काशी, पांचवा था मल और अगला था पंचाल, छह गो था उत्तर प्रदेश में। याद आया उत्तर प्रदेश में कितने थे? छह थे। कौन कौन था? तो पहले नाम याद रखेंगे, काशी, पहले वत्स, फिर कौशल, फिर सुरसेन, फिर काशी, मल और पंचाल। क्लियर? अब चलो बाबू एक एक को याद करेंगे। वत्स की राजधानी कहां थी? कौशाम्बी। कौशल की राजधानी कहां थी? श्रावस्ती। आप बताए थे महात्मा बुद्ध अपना सर्वाधिक वर्षा काल कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बिताए थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, और वत्स की राजधानी कहाँ? कौशाम्बी, या वर्तमान इलाहाबाद या प्रयागराज। इलाहाबाद या प्रयागराज का क्षेत्र था, वर्तमान इलाहाबाद या प्रयागराज का क्षेत्र था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी या इलाहाबाद, कौशाम्बी या इलाहाबाद। क्वेश्चन पूछेगा कौशल की राजधानी श्रावस्ती या वर्तमान अयोध्या एवं फैजाबाद का क्षेत्र था, वर्तमान अयोध्या एवं फैजाबाद का क्षेत्र था। सुरसेन की राजधानी कहाँ भाई? मथुरा, जो मथुरा का क्षेत्र है। काशी की राजधानी वाराणसी, जो बनारस का क्षेत्र है। मल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा, जो देवरिया, देवरिया का। अब पंचाल में दो गो बताए थे, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछन, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिल्ले। याद हो गया? दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिल। हो गया बाबू? सुमित बाबू, ऋषु, अमन, ओम प्रकाश, मल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा या कुशीनगर, एक ही चीज है। प्रतापराज याद हो गया बाबू? शंभू बाबू याद हो गया? सब लोगों को याद हो गया? जल्दी जल्दी बताएंगे। ये क्या हो गया बाबू? उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितना था? दू गो था। कौन कौन था? एक था चेदी, राजधानी था सुक्तिमती, और दूसरा था अवंती। अवंती को दो भागे बांटे थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी बताए थे उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। महिष्मती हो गया। उत्तरी अवंती, उज्जैनी, ये वाला नहीं याद हो पाया है। ये वाला तो कल ही याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक बार जल्दी से रिवीजन कराना था, मैं ही कल कहा था कि आपको एक बार जरूर इसको देख लेंगे। अब देखो हरियाणा में कौन था बाबू? हरियाणा में कुरु, राजधानी कौन था? इंद्रप्रस्थ। राजस्थान में कौन था? मत्स, जिसकी राजधानी कहां था? बैराट या विराट नगर। और एक दक्षिण भारत में था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तीनों का सीमा बना रहा था। कौन था बाबू? अश्मक, जिसकी राजधानी पटना या पैठन। हो गया? चले बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात। इंद्र की, इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? कुरु की राजधानी। अब जरा सा चर्चा करते हैं,
चलिए, ये सब अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, इसी तरह से याद करते रहना। अब चलते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। पहले जैन धर्म की चर्चा करेंगे, तब बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर टॉपिक है, एकदम कंसेप्ट वाला टॉपिक है, धीरे धीरे चलेंगे। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हमने कहा था वैदिक काल के अंतिम समय में, मतलब उत्तर वैदिक काल में, कर्म कांड, जात पात, वर्ग विभेद बहुत ज्यादा जटिलता आ गई थी। हमने कहा था समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती जा रही थी, गिरती हुई जा रही थी, समाज में शूद्र वर्ग का स्थिति खराब होते जा रहा था, श्रमिक वर्ग का स्थिति खराब होते जा रहा था। तो जिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ, तो वैदिक कर्मकांड, वैदिक जात पात, वैदिक पूजा पाठ के विरोध में समाज में एक ऐसा दल उभरने लगा जो अपने सनातन धर्म को त्यागना चाह रहा था। तो सना पशु बलि बताए थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पशु बलि चर्चा होने लगा उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में। तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप विभिन्न प्रकार का विचार सामने आया, धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और इस धार्मिक आंदोलन में दो आंदोलन, दो धर्म काफी महत्वपूर्ण हुआ, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में अकेला सर्वे सर्वा महात्मा बुद्ध रहे, लेकिन जैन धर्म में 24 पुण्य महात्मा, पूज्य महात्मा बने, जिसे तीर्थंकर कहा जाता है। पूज्य पुरुष को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, हो सके तो 10 गो तीर्थंकर का नाम याद कर लेंगे, 10 गो का सिंबल याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले बार बिहार दरोगा में तीसरे तीर्थंकर का नाम पूछ दिया था। तो हम लोग उस 24 में 24 को, 24 गो तो है, 2 ये दर्जन तो है, 24 में 24 को याद करेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा, एनडीए में हिस्ट्री ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछता है, एनडीए में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 30 से 40 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। आइए तो एक बार जल्दी से देखिए, पहले वैदिक कर्मकांड जितना बताया उसको पहले देख लेते हैं। वैदिक कर्मकांड जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था, यज्ञ में व्यापक पैमाने पर की जाने वाली पशु बलि के प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक प्रकार का धार्मिक आंदोलन और विचारधारा का आविर्भाव, उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। इसमें इन धार्मिक आंदोलनों में जैन और बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय एवं अस्थायी बना, अधिक लोकप्रिय एवं अस्थायी बना। तो उसमें पहले जैन धर्म की चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन धातु से हुआ है, किससे बाबू, जिन धातु से हुआ है, जिनका अर्थ होता है विजेता, जीतने वाला, जिनका अर्थ क्या होता है, विजेता या जीतने वाला। अब क्वेश्चन पूछेगा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर की चर्चा मिलती है, टू द पॉइंट चलिएगा, जहां पर याद करने वाला होगा अभी क्लास में याद करेंगे। 24 तीर्थंकर राजू बिहार फायर सर्विस, क्या बाबू वीडियो बहुत रुक रहा है, बाबू यहां ठीक है, यहां पर बहुत अच्छा डाउनलोडिंग स्पीड है, अपलोडिंग स्पीड बहुत ही अच्छा है, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं है, यहां पर तो बहुत अच्छा है, यहां पर एमबी में एम बहुत बहुत ज्यादा है,
अपलोडिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा है, डाउनलोडिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा है, सब कुछ ठीक है। आपके एरिया में नेटवर्क इशू होगा, आपके एरिया में नेटवर्क इशू होगा, यहां पर बाबू ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जरा सा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो बढ़िया से सुनिएगा, याद हो जाएगा। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर की चर्चा मिलती है। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान से सुनिएगा, पहले तीर्थंकर कौन है बबुआ? तो पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। आ तेईसवा तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। आ चौबीसवा तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। पहला कौन? ऋषभ देव। तेईसवा कौन? पार्श्वनाथ। आ चौबीसवा कौन है? महावीर स्वामी। ये तो सामान्य का कोई भी बता देगा, ये तो सामान्यता कोई भी बता देगा, सामान्यता कोई भी बता देगा, पहला कौन? ऋषभ देव। तेईसवा कौन? पार्श्वनाथ। चौबीसवा कौन? महावीर स्वामी। तो समान और आप में अंतर क्या हुआ? कौटिल्या जी, इसके स्टूडेंट में अंतर क्या हुआ? कुछ अलग होना चाहिए, 24 में 2400 याद होना चाहिए, नहीं 24 तो कम से कम 12 तो हीमोग्लोबिन बनना चाहिए, 6 इधर से 6 उधर से, 12 तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं। आ 24 है तो सुपर है, 24 है तो सुपर है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह आपके सामने है। सबका प्रतीक चिन्ह को भी मैंने क्या किया है? तो फोटो में कन्वर्ट किया है। मधेपुरा नरेश, पंकज बाबू, ध्यान से सुनिएगा, इसको जरा कलरफुल में लाते हैं हम, कलरफुल में लाए। अब दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फोटो धुंधला था, ऐसा ही फोटो था, कुछ इससे अच्छा फोटो मुझे मिला ही नहीं। तो जो है उसी में संतोषम परम सुखम, जो है सो बहुत ही अच्छा है, जो है सो बहुत ही अच्छा है। अभिषेक शनि बाबू, जो है सो बहुत ही अच्छा है। चलो बाबू ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आप पहले जो अभी है उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रतीक के बारे में सब कुछ एकदम ओरिजिनल फिगर है, नोट्स में भी फ्रेश नहीं है। हाँ, नोट्स में भी फ्रेश, जितना जो जैसा है वैसे था नोट्स में, फिर भी फ्रेश है, बहुत अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है हमको। मेरे पास भी नोट्स आपका जीरोक्स ही है, या पेज ही आपका जीरोक्स कॉपी है, तो बहुत अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा, अब देखो पहला याद करते हैं, पहला ऋषभ नाथ या ऋषभ देव है। पहला कौन? ऋषभ देव। प्रतीक चिन्ह वृषभ दिख रहा है, सार दिख रहा है, बैल दिख रहा है, वृषभ, सार या वृषभ कहते हैं। दूसरा है ऋषभ के बाद अजित नाथ, फिगर हाथी दिख रहा है, हाथी है। अजित नाथ का फिगर कौन? आप अपने निकालिएगा, अजित नाथ का क्या है भाई? हाथी है। तीसरा है संभव नाथ, घोड़ा दिख रहा है, संभव नाथ घोड़ा दिख रहा है। चौथा अभिनंदन बानर दिख रहा है, बंदर है, अभिनंदन बंदर है, अभिनंदन बंदर है। अगला सुमति नाथ का क्या है? चकबा, जिसको बगुला कहते हैं, चकबा को क्या कहते? बगुला, चकबा। सुमति नाथ का क्या है? चकबा या बगुला। अब देखो बउआ, छठा पांचवा कौन है? तो सुमति नाथ, ध्यान सुनिए, पांचवा कौन है? सुमति नाथ।
फोटो क्या है? चकवा। छठा कौन है? पदम प्रभु। पदम प्रभु मिसप्रिंट है, देख रही, ठीक कर लीजिए। पदम प्रभु प्रतीक चिन्ह है ललका कमल, लाल कमल। कमल दू गो है, एगो है लाल कमल, एगो है नील कमल। लाल कमल किनका है? छठा का। नील कमल किनका है? किस्मा का, नेमीनाथ का। सातवां है सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक है इनका प्रतीक चिन्ह, स्वास्तिक है इनका प्रतीक चिन्ह। आठवां है चंद्र प्रभु। आठवां है चंद्र प्रभु प्रतीक चिन्ह चंद्रमा है। तो पहले आठ को देख लेंगे, पहले आठ को देखेंगे तब आगे चलेंगे। पहला क्या है बबुआ? तो पहला है ऋषभ देव। पहला ऋषभ देव प्रतीक चिन्ह है वृषभ। दूसरा अजित नाथ प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरा संभव नाथ प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। चौथा अभिनंदन नाथ प्रतीक चिन्ह है बंदर। पांचवा सुमति नाथ प्रतीक चिन्ह है चकवा। सुमति नाथ प्रतीक चिन्ह है चकवा। फिर क्वेश्चन पूछेगा छठा पदम प्रभु। छठा कौन? पदम प्रभु। छठा कौन? पदम प्रभु। अब देखो यहां पर जो सुमति नाथ का चकवा है, एक बाबू का क्वेश्चन आ रहा था इसीलिए हमने इस पर आया। रडी गोज, रडी गोज है। रडी गोज को रडी आर यू डबल डी या रडी गोज को हंस भी कहा जाता है। हंस कहा जाता है, क्या कहते हैं? हंस, सारस नहीं है, हंस कहा जाता है, जो बगुला के खानदान का ही है। बगुला के खानदान का ही है हंस। आइए, हमने इसीलिए गया क्योंकि दो तीन गुआ रहा था। अब देखो यह सब याद मत करवाइए, 12 काफी है, कोई बात नहीं। एक बार देखने में क्या दिक्कत है? याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है नहीं अच्छा। कम से कम 12 को 6 को इधर से 6 को उधर से याद करेंगे, चल जाएगा। फिर से सुनिएगा, पाला ऋषभ देव प्रतीक चिन्ह वृषभ। दूसरा कौन? अजित। ऋषभ के बाद अजित हाथी, अजित के बाद संभव घोड़ा, संभव के बाद अभिनंदन बंदर, सुमतिनाथ जिसको क्या कहेंगे चकवा, पदम प्रभु लाल कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक चंद्र प्रभु, तो चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु चंद्रमा। एक बार जल्दी से ध्यान से सुनिएगा, एक बार जल्दी से। अरहुल फूल यहां पर लाल कमल है, रेड रोज है। अब आपको जो लिखा, ऋषु आनंद जी जो इसमें लिखा हुआ है उसको ही मानिएगा। इसमें लाल कमल है न कि अरहुल फूल है, लाल कमल लिखा हुआ है आपके बुकलेट में भी। अब आपके पास जो मेटेरियल है हमको पता नहीं, इसमें मेरे पास जो स्रोत है उसका स्रोत है। अब आप ठीक करो, विश्वास करना तो विश्वास करना, नहीं तो आप अपना शुद्धिकरण कर देना, हमारा पर कोई ब्लेम नहीं लगाना, इसी को याद रखेंगे। अधिकांश फोटो बुद्ध जैसा लग रहा है भैया, यह सब एक फोटो का एक स्वरूप है, क्योंकि उस समय तो कोई व्यक्ति थे नहीं तो उन्हीं का प्रतिरूप ले लिया गया। जैन धर्म का एक गो प्रतिरूप है, उन्हीं का आकार है। तो पहले अब नाम याद रखेंगे, ऋषभ देव, अजित नाथ, संभव नाथ, अभिनंदन, सुमित, पदम प्रभु, सुपार्श, चंदन प्रभु। फिर से ऋषभ देव, अजित नाथ, संभव नाथ, अभिनंदन, सुमति नाथ, पदम प्रभु, सुपार्श नाथ और चंद्र प्रभु। चार गो पांच गो ऊपर से, ऋषभ देव, अजित नाथ, संभव नाथ, अभिनंदन, सुमति नाथ, पदम प्रभु। ऋषभ देव बोलिए एक बार कसके, ऋषभ देव,
अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, छ गो ऊपर से। इधर प्रतीक चिन्ह कौन कौन था? वृषभ था, हाथी था, घोड़ा था, बंदर था, चकवा था और लाल कमल। लाल कमल के बाद सातवां का क्या था? स्वास्तिक। सातवां क्या क्या था? स्वास्तिक। और आठवां का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा। आठवां का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा। एक बार फिर से नाम ले लेंगे। पहला कौन? उंगली पर गिने। पहला कौन? ऋषभ देव। दूसरा कौन? अजितनाथ। तीसरा संभव। चौथा अभिनंदन। पांचवा सुमतिनाथ। छठा पदम प्रभु। सातवां सुपार्श्वनाथ और आठवां चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु का आठवां का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। पदम प्रभु का कमल। सुमतिनाथ का चकबा। सुमतिनाथ का चकबा। अभिनंदन का बंदर। संभव का घोड़ा। अजित का हाथी। ऋषभ का बैल। ऋषभ, ऋषभ का बैल, बहुत अच्छी। ऋषभ का बैल हो गया। ऋषभ का क्या है? बैल। अब देखो ऋषु आनंद जी ने कहा है कि 1, 2, 3, 7, 16, 18, 21, 22, 23, 24 ही पूछता है। कोई जरूरी है? लिखा हुआ है कोई पूछेगा? कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा थोड़ी कि ये लिखा उतना जितना है उतना ही। आपने लिखा कि 1, 2, 3, 22, 23, 24, चार को इधर चार को इधर, कोई बात नहीं। एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई? पढ़ लेंगे पूरा, याद करेंगे। 12 को 6 को इधर से, 6 को उधर से, 6 को इधर से, 6 को उधर से याद करेंगे, क्लियर हो जाएगा। काहे लब 24 याद करेंगे? लेकिन जब है स्रोत तो क्या दिक्कत है? स्रोत नंबर वन पहला हुआ पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह वृषभ। दूसरा हुआ अजितनाथ, हाथी। तीसरा हुआ संभव, अजित के बाद संभव, घोड़ा। चौथा अभिनंदन, बंदर। पांचवा सुमतिनाथ, बंदर के बाद सुमतिनाथ, तो चकवा। छठा पदम प्रभु, ललका कमल। सातवा सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक। और आठवा चंद्र प्रभु का चंदा। चंद्र प्रभु का चंदा, आठवा में चंद्र प्रभु का चंदा। नौमा है पुष्प दंत जी, पुष्प दंत जी का मगरमच्छ। पुष्प दंत जी का मगरमच्छ, पुष्प दंत जी का मगरमच्छ। आपके पास भी लिखा हुआ है पुष्प दंत जी का मगर, जिसे श्री वस्त कहा जाता है। दसवां है शील शीतलनाथ। अब शीतलनाथ से क्वेश्चन पूछेगा, जब ये शीतल का लेंगे तो धूप से बचने के लिए पेड़ पौधा के पास जाते हैं। पेड़ पौधा के पास जाएंगे तो वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष शीतलनाथ। शीतलनाथ कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या में है, दसवें नंबर पे। श्रेयांशनाथ जी गेंदा है। श्रेयांशनाथ जी का प्रतीक चिन्ह गेंदा है। वासु पूज्य का भैंसा है। वासु पूज्य बारहवें नंबर पे भैंसा। विमलनाथ जी शुकर। विमलनाथ जी शुकर पिग। विमलनाथ जी तेरमा शुकर। अनंतनाथ जी सेहिल या साहिल कहते हैं, सेही या साहिल। अनंतनाथ जी साहिल या सेही कहते हैं, इसे ही कहते हैं। चींटी खोर, चींटी खोर। एकिडना याद करेंगे या कैसा है? स्तनधारी है लेकिन अंडा देती है। एकिडना और प्लेटीपस बताए थे, सेही या एकिडना कहेंगे। अनंतनाथ जी। पंद्रहवा है धर्मनाथ जी। धर्मनाथ जी का है ब्रजदंड, मतलब ब्रजदंड एक प्रकार का अस्त्र है। ब्रजदंड, ब्रजदंड को क्या कहेंगे? गदा, त्रिशूल नुमा गदा, ब्रजदंड। अगला है शांतिनाथ हिरण। शांतिनाथ हिरण। अब देखो बउआ, हाँ अंतिम भी बता देंगे, पहले सुन लेंगे। सत्रह में कुंथुनाथ, कुंथुनाथ का बकरा। अरहरनाथ, अरहनाथ जी का मछली। अठारवा में मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का कलश। इस मल्लीनाथ के बारे में कहा जाता है, इस मल्लीनाथ के बारे में कहा जाता है कि कोई महिला थी, लेकिन यह कमेंट सही नहीं है। महिला के वेश में रहती थी मल्लीनाथ, महिला के वेश में रहती थी कहा जाता है। उन्नीसवा मल्लीनाथ,
महिला के तरह महिला के वेश में रहते थे। हो गया। अब देखो बीसवां में क्या है, मुनि सुब्रतनाथ का प्रतीक चिन्ह है कछुआ। क्या है भाई? टॉर्टोइल, कछुआ। नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह है नीला कमल। 21वां नंबर नमीनाथ जी, ध्यान सुन, 21वां नंबर नेमीनाथ का प्रतीक चिन्ह नीला कमल। 22वां क्वेश्चन इसमें गलत है लिखा हुआ, इसमें 22वां में अरिष्ट नेमी, 22वां में अरिष्ट नेमी है, 22वां अरिष्ट नेमी शंख है, 23वां पार्श्वनाथ सर्प है और 24वां महावीर स्वामी सिंह है। 24वां महावीर स्वामी सिंह है। हो गया। 24वां महावीर स्वामी सिंह है। अब देखो बउआ ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा सुविधिनाथ नौमे तीर्थंकर, मैं भी तो वही लिखा हूं, सुविधिनाथ सुबुद्धिनाथ नहीं, सुबुद्धिनाथ एक ही चीज है। अब देखो सुविधिनाथ या सुबुद्धिनाथ एक ही चीज है, नमा का मगरमच्छ या मगर। चलिए तो फिर से अंतिम से याद करेंगे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का सिंह, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्प, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, या क्या है भाई, अरिष्ट नेमी नाथ जी, तो नेमी नाथ का अरिष्ट नेमी का शंख, 21वें का नेमी नाथ जी का नीला कमल, 20वें का मुनि सुब्रत नाथ जी का कछुआ, 19वां का मल्ली नाथ जी का कलश, 18वां का अरहर नाथ जी का अरनाथ, अरनाथ या अरहरनाथ का मछली, 17वां का कुंथुनाथ का बकरा, कुंथुनाथ का बकरा, शांतिनाथ 100 से 16, 100 से शांतिनाथ हिरण, 100 से 15 धर्मनाथ जी बद्ररंड, 14 अनंत नाथ जी से ही, 13 विमल नाथ जी सुकर, विमल नाथ जी सुकर। फिर क्वेश्चन पूछेगा 12 वासुपूज्य भैंसा, 11 श्रेयांश नाथ गेंदा, 10वां शीतलनाथ कल्पवृक्ष, 9वां सुविधिनाथ मगरमच्छ, 8वां चंद्र प्रभु चंदा, 7वां सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, 6ठा पदम प्रभु लाल कमल, 5वां सुमतीनाथ चकवा, 4था अभिनंदन बंदर, 3रा संभवनाथ घोड़ा, 2रा अजितनाथ हाथी और 1ला ऋषभ देव जी का सार है। हो गया। अब देखो भैया क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पर पुष्प दंती दिया है सर जी कंप्यूटर में, नौमे तीर्थंकर का नाम। हम भी तो बाबू बेटा, हम भी तो अपना बाबूजी के घर से थोड़े ही बनाए हैं, हम भी तो कंप्यूटरे से निकाले हैं ना, हम भी तो इंटरनेटे से निकाले, अपना बाबूजी के घर से नहीं बनाए हैं, गढ़े हैं नहीं, ये कंप्यूटरे से निकाले हैं, सब है इसी में। हो गया। एक बार जल्दी से देखिए, हाँ अरिष्ट नेमी है 22वां में, कौन सा बाबू, 22वां में अरिष्ट नेमी है, अरिष्ट नेमी नाथ जी, 21वां में नेमी नाथ जी। अब इसको हटाते हैं, चलते हैं अपना सैर करने। ऊपर से 6 गो और नीचे से 6 गो, 1 2 3 4 5 6 और नीचे से 6 गो, 24 23 22 21 20 19, ई तो याद करना ही है, ई हो गया मोस्ट वीवीआई। मोस्ट वीवीआई हो गया। सर मेटेलियन में रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है पंकज कुमार जी, कथी रॉन्ग है, सिंबल का उद्देश्य बता दीजिए। कुछ नहीं, सिंबल का उद्देश्य था कि प्रतीक चिन्ह उनको यदि कोई सर्प दिख रहा है तो वो 23वें तीर्थंकर का प्रारूप है, सर्प को 23वें तीर्थंकर का प्रारूप कहा जाता है। देख भैया क्वेश्चन पूछेगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, देखो भैया अब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि एगो बाबू कहे कि सर जी बहुत गुस्सा जाते हैं, भैया आप देखो
हम क्यों गुस्साएंगे आप ही को, ये जितने भी स्रोत है अभी भी नेट मेरा खुला हुआ ही है, अभी भी मैंने इसी से लिया है। इसमें लिखा हुआ है 24 तीर्थंकर का नाम चिन्ह और जन्म स्थान, ये सब इसमें लिखा हुआ है कि किसका जन्म कहाँ हुआ था वो भी लिखा हुआ है। हमारा मिथिलापुरी में भी जन्म हुआ है, हमारा मिथिलापुरी में भी जन्म हुआ है, 21वां नेमीनाथ का मिथिलापुरी में जन्म हुआ है, 19वां मल्लीनाथ का मिथिलापुरी में जन्म और हुआ है। चलो और है कोई, देखो भैया हमारा मिथिला के भी है दूगो, एगो कौन, एगो है 19वां आ एगो है 21वां, यह मिथिलापुरी में जन्म हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि यहां मिथिलापुरी में जन्म हुआ तो कोई बात नहीं, यहां अभी अभी यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, आपातकाल में बीच से पूछ सकता है, निश्चित रूप से आपातकाल में बीच से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला का कौन है बाबू, ऋषभदेव, वृषभ, पहला कौन है ऋषभदेव या वृषभ, दूसरा कौन है अजित बाबू है, अजित नाथ का क्या है भाई, हाथी है, तीसरा कौन है अजित है तो संभव है, ऋषभ अजित है तो संभव है, आ जब ये संभव है तो घोरा है, संभव है तो घोरा है, चौथा जैसे ऋषभ अजित है तो संभव है, आ जब संभव हो जाएगा तो आपका अभिनंदन किया जाएगा, आपका अभिनंदन किया जाएगा, जब ये अभिनंदन है तो बंदर है, अभिनंदन है तो बंदर है। फिर से सुन, जैसे हम बता रहे हैं उसे याद रखेंगे, पहला तो कोई डॉट नहीं, पहला 22वां, पहला 23वां, 24वां कोई डॉट नहीं, बच्चों को याद हो जाएगा। लेकिन कहेंगे दूसरा में पहला क्या है, अजित है, अजित है तो संभव है, आज जहां संभव है वहां अभिनंदन है, जहां संभव है वहां अभिनंदन है, आज जहां अभिनंदन है तो वहां सुमति भी है, अजित है वहां संभव है, जहां संभव है वहां अभिनंदन है, आज जहां अभिनंदन है वहां सुमति भी है, जहां अभिनंदन है वहां सुमति भी है, आज जहां सुमति हो जाएगा वहां पर पदम प्रभु आ जाएंगे, पदम प्रभु आएंगे तो अपने साथ क्या लाएंगे, तो अपने साथ ललका कमल लाएंगे, पदम प्रभु आएंगे तो अपने साथ लाल कमल लाएंगे, पदम प्रभु आएंगे तो अपने साथ क्या लाएंगे, लाल कमल लाएंगे। लेकिन नीला कमल रहता तो नीला कमल 21 नीले कमल को नेमीनाथ को चढ़ा देंगे, 21 नीला कमल नेमीनाथ को चढ़ाएंगे, नेमीनाथ को 21 नीला कमल की आवश्यकता पड़ी, नेमीनाथ हो गया 21 नीला कमल, नेमीनाथ 21 नीला कमल, और अरिष्ट नेमी हो गए 22वां स्थान, शंख फूक दिए, अरिष्ट नेमी हो गए, अरिष्ट नेमी हो गए 22वां स्थान, अरिष्ट नेमीनाथ, वही नेमीनाथ, अरिष्ट नेमीनाथ 22वां स्थान, जो शंख बजा लिए, आ जब ये शंख बजा लिए तो पार्श्वनाथ का सर्प सामने आया, आ 24वां में महावीर स्वामी का संग शेर भी दहार दिया, तो उधर बताए 21 नंबर में नेमीनाथ को नीला कमल पसंद था, उधर से 22 हुए तो अरिष्ट नेमी शंख बजाए, जब ये अरिष्ट नेमी ने शंख बजाए तो पार्श्वनाथ का सर्प फुफकार मार दिया, आ उधर महावीर स्वामी का शेर भी दहार देने लगा। नेमी से पहले चलेंगे तो मुनि सुब्रत फिर से सुनिए, मुनि सुब्रत क्या होगा 20वां में, मुनि सुब्रत जी कछुआ लिए, मुनि सुब्रत कछुआ, मुनि सुब्रत
कछुआ उससे पहले गए 19वां नंबर में, तो कलश लेकर मल्लीनाथ सामने आए, कलश लेकर मल्लीनाथ सामने आए, 19 कलश लेकर मल्लीनाथ सामने आए, जैसे बोले 19 कलश लेकर मल्लीनाथ सामने आए, 19 कलश लेकर मल्लीनाथ सामने आए, 19 कलश लेकर मल्लीनाथ सामने आए, हो गया, 19 कलश लेकर मल्लीनाथ सामने लाए, 20 कछुआ लेकर सुब्रत नाथ जी सामने आए, 20 कछुआ लेकर सुब्रत जी सामने आए, 20 कछुआ लेकर सुब्रत जी सामने आए, नेमीनाथ 21 गो नील कमल लाए, नेमीनाथ 21 नील कमल लाए, अरिष्ट नेमी ने शंख बजाए, पार्श्वनाथ का सर्प फुफकार मार दिया, महावीर स्वामी का सिर सिंह दहार दिया, महावीर स्वामी का सिंह दहार दिया। फिर से उधर से चले, अब हमने कहा मल्लीनाथ ने 19 गो कलश ले आए, मल्लीनाथ ने 19 गो कलश ले आए, मल्लीनाथ ने 19 कलश ले आए, सुब्रत स्वामी 20 गो कछुआ ले आए, सुब्रत नाथ जी 20 गो कछुआ ले आए, नेमीनाथ 21 गो नीला कमल ले आए, अरिष्ट नेमी ने शंख बजाए, पार्श्वनाथ का सर्प फुफकार दिया और महावीर स्वामी का शेर भी दहार दिया। हो गया, उधर तो याद हो गया, या तो पूरा सत्य कर गया गुरुजी, सब एक के बार में सही बता दिए। हमने कहा कि आपको याद कराना मेरा भी ड्यूटी बनता है, देखो ना 6-6, 12 को याद हो जाएगा तो आप सेफ जोन में रहेंगे। अब आपातकाल में तो कोई बातें नहीं है, इमरजेंसी में तो जब 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मूलो अधिकार सस्पेंड हो जाता है तो आपातकाल वाली बात हुआ। लेकिन सामान्यतः यदि सेटर का मूड है तो 6 ऊपर से 6 नीचे से यही उठाएगा। एक बार साहिर जी 21 नंबर में नेमीनाथ, 22 नंबर में अरिष्टे नेमीनाथ है, तो अरिष्टे नेमीनाथ, अरिष्ट नेमी याद रखेंगे, अरिष्टे नेमीनाथ या अरिष्ट नेमी याद रखेंगे। हो गया, एक बार फिर से 19 में मल्लीनाथ ने 19 गो कछुआ लाया, मल्लीनाथ ने 19 कलश लाया, मल्लीनाथ ने 19 कलश लाया, मल्लीनाथ ने 19 कलश लाया, मुनि सुब्रत जी ने 20 गो कछुआ लाया, मुनि सुब्रत जी ने 20 गो कछुआ लाया, नेमीनाथ ने 21 गो नीला कमल लाया, नेमीनाथ ने 21 नीला कमल लाया, अरिष्ट नेमी ने शंख बजाया, पार्श्वनाथ का सर्प फुफकार मारा और महावीर स्वामी का सिंह दहाड़ दिया। तो इधर कितना हो गया, 24, 23, 22, 21, 20, 19 क्लियर हो गया, 19-6 को याद हुआ। चलिए एक बार देख लेते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24 19 में नाम बताएंगे 19 में मल्लीनाथ का कौन था बाबू, जल्दी से कलश, मल्लीनाथ महिला के बेस में रहते थे, मल्लीनाथ ने 19 कलश लाया, मुनि सुब्रत प्रभु तो सुब्रत याद रखेंगे, मुनि सुब्रत प्रभु ने क्या किया बाबू, 20 गो कछुआ लाए, 21 में नेमीनाथ ने 21 गो नीला कमल लाए, 21 नीला कमल लाए, नील कमल लाए, 22 में अरिष्ट नेमी ने शंख बजाए, 23 में पार्श्वनाथ जी का सर्प जाग गया,
और 24 में महावीर स्वामी का सिंह भी दहाड़ दिया। हो गया, इधर से याद हो गया, जल्दी से बताओ बाबू, याद हो गया। मुनि सुब्रत ने 20 गो क्या किए बाबू, कछुआ लाए, 20 गो कछुआ सुब्रत जी, कलश लाए मल्लीनाथ जी, नीला कमल लाए नेमीनाथ, शंख बजाए अरिष्ट नेमी, सर्प जागा पार्श्वनाथ का और सिंह दहारा महावीर स्वामी का। हो गया, नेमीनाथ का ब्लू शंख, ब्लू लोटस, चलिए ब्लू लोटस, नीला कमल है, नील कमल है तो ब्लू लोटस। हो गया, अब चलते हैं उधर का छ में। उधर का छ में एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला का क्या बताए थे, ऋषभ देव, पहला का ऋषभ देव, और ऋषभ देव एक नंबर में थे तो प्रतीक चिन्ह क्या था, वृषभ या बुल कहते हैं, सार कहते हैं, वृषभ देव या बुल या सार कहते हैं। दूसरा कौन थे बाबू, हमने कहा जहां अजित था वहां संभव था, अजितनाथ दूसरा थे, हाथी हो गए। आ बताए थे जहां अजित थे वहां संभव है, संभव है तो घोड़ा हो गया। हो गया, असंभव है तो क्या हो गया, अभिनंदन हो गया। अभिनंदन को क्या हो गया बाबू, बंदर आ गया। आ जहां अभिनंदन है वहां सुमति भी है। सुमति नाथ का क्या बताए थे, चकबा, चौकबा, चकबा। छठा में क्या बताए थे, पदम प्रभु, पदम प्रभु का ललका लाल कमल, लाल कमल। हो गया, चलिए, वृषभ है, हाथी है, घोड़ा है, बानर है, चकवा है, लाल कमल है। उधर क्या बताए थे, कलश था, कलश था, कछुआ था, नीला कमल था, शंख था, सर्प था और सिंह था। याद हो गया, इधर छ इधर छ, इधर 19 से याद करेंगे, 19 से 24, आ उधर छ हो गया 1 से। अच्छा आज इतना ही रहने दे, आज इतना ही रहने दे। चकवा क्या होता है, चकवा होता है हंस, जानते हैं हंस, हंस तो रेड्डी उसको कहते हैं, रेड्डी गोज। चले देख लीजिएगा तो मजा आ जाएगा, फिर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। यही है चकबा, ये क्या है, चकबा है, ये सब क्या है, चकबा, देख लिए, ये सब क्या है, चकबा। यह बगुला भी नहीं है, चकबा है, क्या है, चकबा। आ चकबा किसका है, जल्दी से बताओ, चकबा किसका है, सुमति नाथ का है। चकबा किसका है, सुमति नाथ का, चकबा किसका है, सुमति नाथ का, चकबा किसका है, जल्दी से बताओ, चकबा किसका है, सुमति नाथ, चकबा किसका है, सुमति नाथ, चकबा किसका है, सुमति नाथ। दो तीन को फोटो देख लीजिएगा, मन मस्तिष्क में आ जाएगा, चकबा किसका है, सुमति नाथ, चकबा किसका है, सुमति नाथ, जो पांच में थे, सुमतिनाथ, चकबा, रेड्डी कहा जाता है, क्या कहते हैं, रेड्डी। तो रेड्डी हो गया चकबा, इसको बत्तख नहीं मानिएगा,
इसको बत्तक नहीं मानिएगा, यह क्या है, बत्तक का ही एक प्रजाति है, बत्तक का ही एक प्रजाति है, हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, अब जो अपना बुकलेट में है उसको जरा सा देख लेंगे, आपका बुकलेट में जो दिया हुआ है वो भी देख लेंगे। पहला का ऋषभ देव जी सांर है, अजितनाथ जी हाथी है, तो जहां अजित है वहां संभव है घोड़ा, जहां संभव है वह अभिनंदन है बंदर, जहां अभिनंदन है वहां सुमतिनाथ है चकबा, वहां पर प्रभु पदम प्रभु जी है ललका कमल, पदम प्रभु जी है ललका कमल, पदम प्रभु जी है ललका कमल। तो छ गो ऊपर से याद करवाए आ छ गो नीचे से याद करवाए। हमने 19 से स्टार्ट किया कि मल्लीनाथ ने 19 गो कछुआ लाए कलश लाए, मुनि सुब्रत नाथ ने 20 गो कछुआ लाए, नेमी नाथ ने 21 गो नील कमल लाए, अरिष्ट नेमी ने शंख बजाए, पार्श्वनाथ जी का सर्प उछाल मारा और महावीर स्वामी जी का सिंह दहाड़ने लगा, हो गया। हाँ सामा चकेबा, मिथिला के सामा चकेबा नहीं चकबा है चकबा, हो गया। तो चकबा पांचवे का, चकबा कितने का पांचवे का, पांचवा का नाम क्या है सुमतिनाथ, पांचवा का नाम क्या है सुमतिनाथ, पांचवा का नाम क्या है सुमतिनाथ। अब एक बार जल्दी से लास्ट कॉल जो हम लोग चर्चा कर ले, लास्ट बार चर्चा कर लेते हैं। पहला का नाम से, पहला से छ ऊपर का और छ नीचे का याद हो जाएगा, 12 को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा। चलिए पहला क्या बताए थे, ऋषभ देव, नाम पहले लिखेंगे, पहला कौन ऋषभ देव, दूसरा कौन अजितनाथ, अजितनाथ जहां अजित है वहां क्या बताए थे संभव है, जहां संभव है वहां क्या है अभिनंदन है, अभिनंदन। पांचवा क्या बताए थे सुमति है, सुमतिनाथ। छठा क्या बताए थे पदम प्रभु, छठा क्या बताए पदम प्रभु। उधर क्या क्या बताए थे बाबू, उन्नीसवां बताए थे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का क्या था कलश, कितना कलश, 19 गो कलश लेके आने वाले थे मल्लीनाथ। बीसवां में क्या था सुब्रतनाथ, सुब्रतनाथ का क्या था कछुआ, उसके बाद क्या था नेमी नाथ, उसके बाद क्या था अरिष्टे नेमी, उसके बाद क्या था पार्श्वनाथ, उसके बाद क्या था महावीर स्वामी। प्रतीक चिन्ह में कोई कोई कठिनाई नहीं, प्रतीक चिन्ह में कोई कठिनाई नहीं, याद हो गया बाबू। चलिए आप तो फिगर दिखा रहे हैं उसमें तो गुरुजी कलर वाले नंबर पुस्तिका और ब्लॉक बुकलेट एक बार देखेंगे। चलो आइए देखो ऋषभ देव मेरे पास जो बुकलेट में है जरा सा देखते हैं। चलो ऋषभ देव में क्या है भाई, वृषभ है, जो बुकलेट का तस्वीर है वही से चलते हैं, वृषभ है। इसके बाद क्या है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी है घोड़ा है बानर है चकबा है ललका कमल है, ललका कमल है, इधर क्या है कलश है, इधर क्या है कछुआ है, इधर क्या है कछुआ के बाद नीला कमल, इसके बाद क्या है शंख है, क्या शंख है, इसके बाद क्या है सर्प है, सर्प है, इसके बाद क्या है सिंह है।
हो गया, ये सब सब हीमोग्लोबिन बना दी। जय माता दी बाबू, चलो बहुत अच्छी बात है, याद हो गया। 12 याद है तो इनकलाब जिंदाबाद, 12 याद है तो, 12 याद हुआ, 12 याद हो गया। देखिए हमारा छोटकी भी सामने बैठी हुई है, वो भी करी आ आ, मतलब ओकरो याद हो गया क्या गो, 12 गो। चलिए बहुत अच्छी बात हो गया, अब रहने दीजिए और एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब जो पहले बुकलेट है आगे बढ़ते हैं, 12 को बोरो देख के फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक बार जल्दी से देख ले, पहला क्या बताया, ऋषभ देव जी सार वृषभ, दूसरा अजित नाथ जी हाथी, तीसरा संभव नाथ। हमने कहा जहां अजित है वहां संभव है घोड़ा, जहां संभव है वहां अभिनंदन है बंदर, जहां अभिनंदन है सुमति नाथ चकवा, जहां सुमति है वहां पदम प्रभु ललका कमल, उसके बाद सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक सुपा, देखो सातवा और याद हो जाएगा, 100 से 7, 100 से सुपार्श्वनाथ, 100 से स्वास्तिक, आठवां तो चंदा, आठवां चंदा, आ चंदा में सब कुछ है चंदा। नौमा में देखो सुविधिनाथ या सुबुद्धिनाथ, एक ही चीज है, सुबुद्धि या सुबुद्धि एक ही चीज है, सुबुद्धि या सुविधिनाथ। मगर मगर मतलब श्री वस्त कहा गया। शीतलनाथ दसवां में है कल्प वृक्ष, ग्यारहवा में श्रियांशनाथ गेंदा, बारहवा में वासुपूज्य भैंसा, तेरहवा में विमलनाथ जी शुकर, चौदहवें अनंतनाथ जी सेहिल, पंद्रहवा में धर्मनाथ जी ब्रजनंद, 16 में शांतिनाथ हिरण, 17 में कुंतुनाथ बकरा, 18 में अरनाथ मछली, 18 में अरनाथ मछली हो गगया। चलिए बहुत अच्छी बात है, 7:15 तक चलने दीजिए। चलिए भैया अब देखो 7:15 तक कोई जरूरी है, 7:15 तक या दिन होगा तो 7:15 लेके क्या करेंगे। पॉलिटिका फाउंडेशन बैच कल हम घोषणा कर देंगे, अगले सप्ताह में पॉलिटिका फाउंडेशन बैच 10:30 बजे से 11:30 बजे सुबह में रहेगा, आने वाला है अगले सप्ताह में। हालांकि इंतजार कर रहे थे मैं बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा का, सच में बताऊं, दिल से बताऊं, बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा का बैच रात में ही हमने प्लान बताया कि बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा 11 अक्टूबर को है और 13 अक्टूबर को शायद मंगलवार आता है, तो 13 अक्टूबर को, लेकिन अब लगता है कि बर्दाश्त बहुत ज्यादा आप लोग का हो जाएगा, समय सीमा आप लोग का बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगले सप्ताह में बिहार दरोगा से अब तो डेट एक्सटेंड कर गया, तो अगले सप्ताह में कल मैं घोषणा कर दूंगा और इंट्रोडक्शन क्लास मंगलवार को हो जाएगा और उस सप्ताह भर चलेगा एडमिशन, फिर अगले सोमवार से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो आज इतना ही रहते हैं, आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग, आज तो ये जो 24 जैन तीर्थंकर था कल मैं सबसे पूछूंगा, और कल महावीर स्वामी के बारे में एक बार रीडिंग ले लीजिए, कल जैन धर्म को समाप्त करेंगे। क्लियर हो गया। मनीष राज जी गाना गा रही है, देखिए मेरी छोटकी गाना गा रही है, चलिए तो फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में 7:45 में, तब तक के लिए लगातार इनर्जेटिक बने रहेंगे, डेट एक्सटेंड किया तो किया, उससे इससे कोई मतलब नहीं, आप लगातार बने रहेंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। क्लियर, तो फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय कौटिल्य जय बिहार, जय मिथिला, धन्यवाद।